स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इसके लिए ये पहला भाग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, उससे पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, आपको बता दें कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इकोनॉमिक्स से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज शुरू की गई है। इसके नेक्स्ट पार्ट और कई पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प और 2 सेकेंड का समय मिलेगा, ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को हम आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। भले ही हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन अगर आर्थिक राजधानी की बात आती है तो हम महाराष्ट्र यानी मुंबई का नाम ही लेते हैं। देखिए आगे बढ़ें, उससे पहले बता दें कि यहाँ पे कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, आपको अपना उत्तर देते रहना है, और उसके बाद वीडियो खत्म होने के बाद हमें कमेंट करके बताना है कि इन 25 में से आपने कितना किया। इसका आप PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वहीं पर जाकर आप इन क्वेश्चनों के लिए टेस्ट भी दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए विभिन्न आधार कौन कौन से हैं। मतलब कि अगर किसी भी देश की आर्थिक विकास को बताना हो, कि मतलब कि यह देश कितना तेजी से विकास कर रहा है, तो वहाँ पे आप क्या चीज़ की काउंट करेंगे। तो वहाँ पे हम काउंट करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण, यानी कि इनमें से सभी। मतलब किसी भी देश का विकास दर का पता लगाने के लिए इन तीनों फैक्टरों पर काम करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि GDP के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है। देखिए आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है GDP वाला, ये हमेशा घटता बढ़ता रहता है, तो जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय का हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी ये आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप इसे अपने आप को अपडेट करके जाइए। पिछले साल मतलब कि 2019 में एक बार ऐसा था कि भारत 5वें नंबर पे था, लेकिन अब भारत की GDP का बहुत बुरा हाल है और भारत अब 7वें नंबर पे है। लेकिन भारत की GDP जिस तरह से गिर रही है, उससे हो सकता है कि ये भी आंकड़ा पार हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि PPP यानी कि पर्सिंग पावर पैरिटी, इसके आधार पर भारत का स्थान क्या है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस है, आपको 2 सेकंड मिलेगा। देखिए जो PPP यानी कि पर्सिंग पावर पैरिटी की बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि किस देश में, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि विकास दर की क्या रेट है, जैसे कि वहाँ पे कितना प्रोडक्ट बनता है, या फिर अदर देशों की अपेक्षा वहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, तो ये पूछा होता है PP का मतलब। तो अगर PP की बात करें तो भारत का इसमें अभी भी 3रा रैंक है, हालांकि ये भी करेंट अफेयर है और ये भी अपडेट होता रहता है। फिलहाल में देखा जाए तो अमेरिका और चीन हमसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन है कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। तो ये तैयार किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। महबूब उल हक ने सबसे पहला मानव विकास सूचकांक जारी किया था। अगर आपसे ये पूछ ले कि क्या हमारे देश के किसी भी अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इसके लिए सही उत्तर है हाँ, ये मिला था अमर्त्य सेन को 1998 में। इसके बाद अगर 2019 की बात करें तो एक व्यक्ति को मिला है, लेकिन ये केवल भारतीय मूल के हैं, उनका नाम है अभिजीत बनर्जी, लेकिन ये भारतीय नहीं है, केवल भारतीय मूल के हैं, JNU से पढ़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किस राज्य में अधिक है। तो अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस राज्य का है यह है केरल। यहाँ का मानव विकास सूचकांक सबसे ज़्यादा हाई है। केरल की राजधानी कहाँ है, यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक कौन सा है, यह आपको बताना है। 2 सेकेंड है आपके पास केवल। सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम RBI बोलते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई।
ठीक, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था 1949 में। ये भी पूछा जाता है कि जो आरबीआई को हम किस नामों से जानते हैं, तो इसे बैंकों का बैंक के नाम से भी जानते हैं। किसके कहने पे ये बनाया गया, तो एक कमेटी थी हिल्टन यंग कमीशन, इसके सिफारिश पर आरबीआई को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है केवल जीविकापार्जन होता है केवल, जहाँ पर जीने के लिए कोई भी क्रिया की जाए उसे हम कहते हैं आर्थिक क्रियाओं में इसका समावेश हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? नेशनल डेवलपमेंट ये है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है प्रधानमंत्री, हमेशा और हमेशा जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ये एक्स होता है, एक्स ऑफिशियो, यानी कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा ऑटोमेटिक वो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति पर क्या असर पड़ता है? तो देखिए, अगर केवल जनसंख्या वृद्धि हो और ज़्यादा विकास ना हो, तो वहाँ पे जो आर्थिक विकास होगा वो मंद हो जाएगा। यानी कि अगर जनसंख्या वृद्धि होती रही तो आपका आर्थिक विकास मंद हो जाएगा। देखा जाए तो इस समय भारत की जनसंख्या करीब 138 करोड़ के आसपास है, जो कि आपको एग्जैक्ट डाटा मिलेगा 2021 में कि कितना है। लेकिन फिलहाल अगर आप आपसे पूछा जाए आपसे, तो ये 2011 के अनुसार आप बताएंगे केवल 121 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो देखिए, राष्ट्रीयकरण दो बार किया गया था। एक बार किया गया था 1969 में 13 बैंकों का, उसके बाद किया गया था 1980 में 5 बैंकों का। तो पहली बार यहाँ बताना था आपको, तो सही उत्तर हो जाएगा 1969। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ये भी चेंज होते रहता है हर साल। तो इस बार लगभग 190 देशों की जो सूची आई थी 2019 में, उसमें इंडिया का जो स्थान था ये था 129, 129। अगला है कि जीडीपी पर कैपिटा के आधार पे सबसे पहले स्थान पे कौन सा देश है? पर व्यक्ति, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय किस देश के लोगों की अधिक है ये आपको बताना है। तो ये है कतर का, जिसकी कैपिटल है दोहा। यहाँ का जो पर कैपिटा है ये सबसे अधिक है। अगला है कि शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना ये किस तरह की क्रिया है? अब ये हिंदी से क्वेश्चन नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। ऑप्शन है अनार्थिक, आर्थिक, दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर शिक्षक अपने पुत्र को पढ़ाता है तो ये क्रिया आर्थिक भी हो सकती है और अनार्थिक भी हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह हम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन और सीरीज कवर कर रहे हैं, उसी तरह ढेर सारे वीडियो जो कि हिस्ट्री, जियोग्राफी और इस तरह की स्टेट वाइज जीके ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। लेकिन अगर उन सबका टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जा करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। अगला क्वेश्चन है कि किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा और ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? आधुनिक यंत्र पूछा गया है सूचना, शिक्षा और सर्व ज्ञान, तो ये है कंप्यूटर। आप जो मोबाइल देख रहे हैं वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, तो इसके लिए एग्जैक्ट उत्तर है कंप्यूटर। अगर ये पूछा जाए कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो किया गया था चार्ल्स बैबेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? हालांकि इस समय ये राज्य भी थोड़ी अच्छी खासी प्रगति किया है, लेकिन ये है बिहार, अगर इन ऑप्शनों में से गौर करें तो। बिहार, बिहार की कैपिटल है पटना, जो कि गंगा नदी के किनारे है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का कितना परसेंट आबादी कृषि उद्योग पे निर्भर है? आपने पढ़ा होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कितनी आबादी है जो कि कृषि करती है, ये आपको बताना है। तो ये है 58.9%, 58.9%। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो जो संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम बनाती है, ये है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगला है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ये थोड़ा स्टेट से क्वेश्चन हो गया एक, तो ये है पटना। इन ऑप्शनों में गौर करें तो पटना है जो कि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, तो कृषि को हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, कृषि को इंडिया में प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना परसेंट कृषि उद्योग का योगदान है, मतलब कि जो हमारी जीडीपी है राष्ट्रीय जो है उसमें कृषि का कितना योगदान है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर इन ऑप्शनों पे गौर करें तो इसके लिए आपका सही उत्तर होगा 17.5, 17.5 है सकल लाभ में, जो भी पूरे देश का सकल लाभ है उसमें लगभग 17.9 कृषि का शामिल है। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है, मतलब कि जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है भारत में, ये संस्था कौन सी है? यह है CSO, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि बनाई गई थी 2 मई 1951 को। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? सही उत्तर है भारत। भारत में मिश्रित है, यहाँ पे व्यापार भी है और कृषि भी है, यानी कि मिश्रित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए, देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपसे अब नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो योजना आयोग है अब ये नीति आयोग बन चुका है। नीति आयोग, इसका हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, और इसका PDF पढ़ने के लिए या फिर इस तरह का क्वेश्चन का टेस्ट देने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे आपको ऐप का लिंक मिलेगा, उसे डाउनलोड करके आप इस तरह के टेस्ट खुद दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।